हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठक गेम। मैं ऑलरेडी इनऑर्गेनिक का सारी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जितने भी टॉपिक था सेकंड सेम का। ओके, तो अब मैं ऑर्गेनिक स्टार्ट कर रहा हूँ। आज यूनिट फर्स्ट देखते हैं, एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, यूनिट में बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, SN1 है, SN2 है, NGP है। ठीक है, तो वीडियो छोटी छोटी भी बनेगी और बड़ी बड़ी भी बनेगी। ओके, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और इनऑर्गेनिक के सारे टॉपिक्स चैनल पे प्रेजेंट हैं, तो आप लोग जिस भी टॉपिक को देखेंगे अच्छे से उसको प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है, थ्योरी एग्ज़ाम के लिए। तो देखते हैं क्या होता है एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, हम लोग इसमें बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो से फिर पूरा यूनिट स्टार्ट होगा। ठीक है, देखो क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ एन एटम और ग्रुप बाय एनी अदर एटम और ग्रुप इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, स्टेटमेंट बहुत ही ईजी है, तो अलग से इसको हिंदी में समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग ऐसे ही समझ जाएंगे। इसमें साफ साफ लिखा है कि एक एटम का दूसरे एटम के द्वारा जब रिप्लेसमेंट होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, रिप्लेसमेंट होता है, तब इसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। ओके, इट इज़ अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज ब्रॉट अबाउट बाय अ न्यूक्लियोफिलिक, देन इट इज़ नो एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, ऑल न्यूक्लियोफिलिक आर लुईस बेस, जितने भी न्यूक्लियोफिलिक होते हैं सभी के सभी लुईस बेस होते हैं एंड कंटेन एटलीस्ट एन अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, देखो न्यूक्लियोफिलिक है, न्यूक्लियोफिलिक के जब हम सब्सट्रेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक ये लिगेंड को रिप्लेसमेंट कर देते हैं और उसके जगह आके ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट बना हमारा क्या है, सब्सट्रेट प्रोडक्ट है और लिविंग ग्रुप जो अलग हो गए। ओके, देन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक में भी न्यूट्रल और निगेटिव चार्ज, वेयर सब्सट्रेट अंडरगोइंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में भी पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो यहाँ पे कुछ कुछ न्यूक्लियोफिलिक है और सब्सट्रेट है जिसका रिएक्शन होता है, तो क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है और लिविंग ग्रुप बनता है। देखो यहाँ पे निगेटिव में है OH-, जब सब्सट्रेट के साथ रिएक्शन करेंगे मिथाइल ब्रोमिन का जो कि न्यूट्रल है, तब क्या बनाता है, प्रोडक्ट मेथाइल एल्कोहल बनाता है। ठीक है, यहाँ देखो CH3OH है, यहाँ पे ऐड हो गया, तो क्या बना, क्या मेथाइल एल्कोहल और लिविंग ग्रुप जो है अलग हो गया। ओके, तो सिंपल सा रिएक्शन है यार। देखो यहाँ पे होता क्या है, ब्रोमीन क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है मेथाइल से, तो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ले लेगा, तो कार्बन पे आ जाएगा प्लस चार्ज, इस पे आ जाएगा माइनस चार्ज, और ये ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस के साथ तो अटैच होगा नहीं, माइनस अटैच होगा प्लस के साथ, तो कॉमन सी बात है, सिंपल सी स्ट्रक्चर है इसको आप ना, सिंपल से एग्जांपल है, तो इसको आप लोग ना याद करना नहीं, सिर्फ ऐसे ही देखते जाओ, ऐसे ही समझ आ जाएगा। ठीक है, तो फिर आप अपने से भी थ्योरी एग्जाम में इसका बना सकते हो। ठीक है, वैसे है CH3Cl, यहाँ पे प्लस है या माइनस है, और ये क्या है, KOH है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एंड सब्सट्रेट, तो देखो ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है, प्लस को माइनस के साथ, माइनस को प्लस के साथ ऐड कर दो, तो इसमें बनेगा क्या, देखो मिथाइल अल्कोहल इसमें बनेगा CH3NOH और जो KCl है वो बाहर हो जाएगा। सेम ऐसी मिथाइल और नाइट्रोजन है, जब इसका रिएक्शन होगा मिथाइल आयोडाइन के साथ, तो इसमें क्या होता है, CH3 तो मतलब मेथिल पहले से है, एक मेथिल और आएगा तो मेथिल 4 हो जाएगा और नाइट्रोजन और आयोडीन जो है अलग हो जाएगा। ओके, सेम एक है ब्रोमीन को जब रिएक्शन करते हैं मिथाइल और OH2। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मिथाइल ब्रोमाइड बनता है और वाटर मॉलिक्यूल अलग से एलिमिनेट हो जाता है। ओके, तो एक सिंपल सा ये एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का इंट्रो था, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी के SN1 SN2 जितने भी हैं। ओके, तो वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना ताकि आपके जितने भी फ्रेंड हैं उन सब के लिए हेल्पफुल रहेगा थ्योरी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।